अडॉप्ट। डियर स्टूडेंट्स, आज आपका लेक्चर सीरीज नंबर 4 में आपका स्वागत है। अभी तक तो इससे पहले मैंने 3 लेक्चर्स आपको डिलीवर किए थे, 3 लेक्चर्स लेके आया था, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 या लेक्चर 4, जो आज करंट लेक्चर है। जो लेक्चर 1 और 2 आपके सिलेबस के कंटेंट से लेकर थे, जिनके ऊपर मैंने सिलेबस का जो आपका सिलेबस था उसको हर पहलू को छूने की कोशिश की थी और वो फुली डिस्क्राइब किए थे। एंड देन बेस्ड ऑन द सिलेबस जो मैंने फर्स्ट 2 लेक्चर्स आपको डिलीवर किए थे, उनके बेसिस पे लेके मैंने 2 मॉड्यूल सेट किए। मॉड्यूल 1 जो पिछले कल लास्ट लेक्चर में मैंने डिलीवर किया था, उसमें से मैं उस मॉड्यूल को मैंने 4 सेट्स में डिवाइड किया था। दैट मॉड्यूल कंटेन वाज 4 सेट्स और 4 सेट्स में टोटल आपके 19 क्वेश्चंस थे और उन हर क्वेश्चंस को मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन किया था। तो आज का जो मॉड्यूल है इट कंसिस्ट 3 सेट्स। आज के मॉड्यूल में 3 सेट रहेंगे और टोटल आपके आज जो है 16 क्वेश्चंस। आई होप आपने जो पिछले के जो लास्ट लेक्चर था उसमें जो क्वेश्चंस एक्सप्लेन किए थे आपने सही ढंग से उनका स्टडी किया होगा और बहुत सारी आपकी क्वारीज आपके मन में रही होंगी। आज आप उन क्वारीज को क्लियर करने के लिए भी आप आए हैं, तो आज आपका स्वागत है। आप अपनी क्वारीज अपने कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। जब भी मेरे को बीच में टाइम लगेगा मैं उन क्वारीज के गो थ्रू या इस लेक्चर्स के डिलीवर करने के बाद जब मैं नेक्स्ट वीडियो आपके सामने लेके आऊँगा तो उस वक्त उन क्वारीज को सबसे पहले एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो इसलिए जो भी आपकी क्वारीज या कॉमेंट्स हैं जो लास्ट लेक्चर्स के रहे हैं आज तक, आप वहाँ आज कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और इसके बाद जिन स्टूडेंट्स ने मेरे जो प्रीवियस लेक्चर्स अटेंड नहीं किए हैं तो उन सब के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के रख दिए हैं, आप वहां से उनको देख सकते हैं। तो सबसे पहले आज का जो मैं से तो आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स इन द कमेंट्स बॉक्स रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? द एटम ऑफ ए कॉपर कंटेन्स इलेक्ट्रॉन्स एंड एटम्स ऑफ, आपका क्वेश्चन है द एटम्स ऑफ कॉपर कंटेन इलेक्ट्रॉन्स। कहने का मतलब है जो कॉपर एटम है उसमें भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसके एटम्स में भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जो रबड़ होता है रबड़ तो उसके एटम्स में भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फिर नोट के क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो आपके पास कॉपर और रबड़ 2 सब्सटेंस हैं, उन दोनों के एटम्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं। बट क्वेश्चन इज दैट कॉपर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है वेयर एज रबर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, व्हाई? कॉपर क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है और रबर क्यों नहीं, जबकि दोनों में इलेक्ट्रॉन्स हैं? प्लीज आंसर योर इन कमेंट बॉक्स। I am waiting for your response, please. जो स्टूडेंट्स हैं जिनको पॉसिबल आंसर जो दे सकते हैं शॉर्ट में अपने आंसर सभी कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। मैं अपना इसका जो क्या आंसर हो सकता है जो अभी आप दे दीजिए, अब देखिएगा जो इसका पॉसिबल आंसर क्या है। तो आपने जो अभी तक जो हमने पिछली स्टडी की है, जो पिछले लेक्चर्स रहे हैं, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मैंने लेके आया था पिछले कल, और क्या बात है अगर देखिएगा कि आपको मालूम है कि सबसे पहले मैं कॉपर एटम की बात करूँ
एटम एज ए होल न्यूट्रल होता है क्योंकि उसके अंदर न्यूक्लियस और उसके ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। सिमिलरली आपका कॉपर एटम है, उसके इलेक्ट्रॉन्स भी उसके ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, मीन अराउंड द न्यूक्लियस। परंतु बात यह है कि कॉपर क्यों कंडक्टर है और रबर क्यों इंसुलेटर है। आप देखिए, कल मैंने बात की थी जो न्यूक्लियस, कॉपर में जो न्यूक्लियस है और इसके बाहर जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उनके बीच जो बाउंडिंग है, दैट इज अ वेरी वीक सॉरी इन कॉपर का केस है। अगर मैं कॉपर की सबसे पहले बात करूं तो कॉपर के केस में जो बाउंडिंग बिटवीन न्यूक्लियस एंड द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज वीक एज कंपेयर टू बाउंडिंग। यदि हम रबड़ का केस लें तो रबड़ के जो ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की जो बाउंडिंग है दैट इज वेरी वेरी टाइट, वेरी वेरी स्ट्रांग। तो इसलिए जब हम किसी ऑब्जेक्ट को रब करते हैं, इसलिए या सीधी सी बात कहें, नटसेल में जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ अ कॉपर एटम दैट लूजली बाउंड, और फिर एस जो रबर है उसमें क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स हैं न्यूक्लियस के साथ बहुत क्लोजली बाउंड है, तो इसलिए हम उनको ब्रेक नहीं कर सकते, दे कैंट फ्री इजली, वो इतनी इजली ब्रेकअप नहीं होते हैं। इसका पॉसिबल आंसर ये होगा। अगर फिर भी स्टूडेंट्स ने इसको जो भी है अपने कॉमेंट्स में इसके आंसर दे दीजिए। नेक्स्ट आज का जो शेड्यूल रहेगा, इसमें सेट नंबर वन में 4 क्वेश्चंस हैं। इस मॉड्यूल नंबर सेकंड के सेट नंबर वन में कंसिस्टिंग 4 क्वेश्चंस, जो 4 क्वेश्चंस हैं आपकी स्क्रीन पे हैं इस वक्त, आप इनको देखिए, इनके गो थ्रू कीजिए, और आप देखिए अगर जो मैंने लेक्चर्स डिलीवर किए हैं उन लेक्चर्स का जो आपका नॉलेज है उन नॉलेज के बेसिस पे इन कॉन्सेप्ट को कैसे क्लियर कर सकते हैं, तो इनके क्या क्या आंसर्स हो सकते हैं। हर स्टूडेंट्स का अपना थिंकिंग लेवल अलग अलग हो सकता है सोचने का, तो अपने अपने ढंग से इनको आंसर्स कर सकते हैं। आप मन में सोचिए, जो क्वेश्चन नंबर वन है आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, जो क्वेश्चन नंबर वन है आपका, द इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्सपेरिमेंट डू नॉट वर्क वेल ऑन ह्यूमन डेस, क्वेश्चन नंबर वन। एंड क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो आपका है, वाई इट इज ईजी टू चार्ज ए बैलून ऑन ए ड्राइव, जो आपका ड्राई वेदर होता है उसमें बैलून को इजीली चार्ज कर लेते हैं एज कम्पेयर टू ह्यूमिड, जिस इन मीन ज़्यादा ह्यूमिडिटी है। जो थर्ड क्वेश्चन है आपका, जो थर्ड क्वेश्चन में आपने क्वेश्चन किया है, यहाँ पे दिया हुआ है कि सेम एन एवोनाइट रॉड हेल्ड इन हैंड कैन बी चार्ज वाई रबिंग विद वुड, वट ए कॉपर रॉड कैन नॉट चार्ज वाई। एंड जो लास्ट क्वेश्चन है आपका इस सेट नंबर वन का, वाई इट इज नॉट पॉसिबल टू चार्ज वन एंड ऑफ अ मेटल रॉड। फिर सोचिए, जो क्वेश्चन नंबर वन है, डेवलप योर थिंकिंग, क्वेश्चन नंबर वन, वाई इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्सपेरिमेंट डू नॉट वर्क वेल ऑन ह्यूमिड डे, कहने का मतलब है जब हमारे एटमोस्फियर में या हमारे एयर में ज्यादा ह्यूमिडिटी है तो उस वक्त जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के जो एक्सपेरिमेंट करते हैं वो ज़्यादा, उनके रिजल्ट्स ज़्यादा सही नहीं आते हैं, तो ऐसा क्यों होता है। और क्वेश्चन नंबर टू, हम किसी वॉल्यूम्स आपने देखा है जो वॉल्यूम को हम इजीली चार्ज कर सकते हैं, मींस वॉल्यूम के ऊपर हम चार्ज इजीली अक्वायर कर सकते हैं ड्यूरिंग वेदर ए ड्राई वेदर, जब जिस दिन ड्राई वेदर है उस वक्त बैलून इजिली चार्ज हो जाता है, जबकि जिस दिन ज़्यादा ह्यूमिडिटी एटमोसफेयर में तो उस दिन इट इज़ वेरी टिपिकल, तो उसके ऊपर से जो चार्ज डेवलप करना, प्रोड्यूस करना इतना आसान नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड, एन एवोनाइट रॉड, जब हम किसी एवोनाइट रॉड को रब करते हैं वूल के ऊपर तो देन इट चार्ज्ड, वो चार्ज जाती है। जब एक कॉपर वायर या कॉपर रॉड को जब हम रब करते हैं वूल के ऊपर तो उसके ऊपर कोई चार्ज डेवलप नहीं होता है, तो ऐसा क्यों होता है। एंड इस सेट नंबर वन का जो लास्ट क्वेश्चन है, वाई इट इज नॉट पॉसिबल टू चार्ज वन एंड ऑफ मेटल रॉड, कहने का मतलब मेरे हाथ में आप देखिएगा, सपोज दिस इज मेटल रॉड,
मेटल रॉड है और मैंने इसके ऊपर चार्ज प्रोड्यूस करना है, परंतु चार्ज जो है मान ली, मैं चाह रहा हूं कि चार्ज इसके एक ही एज पे रहे, चार्ज इसके एक ही एज पे रहे, परंतु वो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो ऐसा क्यों नहीं होता है कि हम, अब आपको इससे पहले एक बेसिक जो इसका भी पीछे क्या फंडा है आपको मालूम होना चाहिए कि जो आज का जो जो आपका जो करंट टॉपिक जो चला हुआ है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, दैट डील विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, और कौन से किस तरह के इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं, विच आर एट रेस्ट एंड मोर ओवर दैट इज पॉइंट इन नेचर। तो अब पहले आपको इसका पॉसिबल आंसर क्या हो सकता है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पे जाना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या हुआ। कहने का मतलब टू प्रोड्यूस स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बाय प्रोसेस ऑफ रबिंग, अंडरस्टैंड। आपको आपकी थिंकिंग लेवल डेवलप करना है, आपको उस सेंस से सोचना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या, मीन टू अकमुलेट टू प्रोड्यूस चार्ज ऑन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज को अकमुलेट करना या किसी बॉडी के ऊपर चार्ज या किसी बॉडी को इलेक्ट्रिफाइड करना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। तो उसके लिए हम कुछ एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं, जैसे एक ऑब्जेक्ट को दूसरे के साथ रब कर दिया, तो उस प्रोसेस से देर आर डिफरेंट मेथड्स, जो मोस्ट कॉमन है दैट इज द वाई रबिंग। आप देखिएगा तो क्यों नहीं हम ह्यूमिडिटी जो ज़्यादा होती है तो उस वक्त इनको हम क्यों अवॉइड करते हैं इस तरह के एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने के लिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ह्यूमिडिटी आपको देखना पड़ेगा क्योंकि ह्यूमिड एटमॉस्फेयर है। मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है यहाँ पे स्क्रीन पे, आप यहाँ पे देख लीजिए, एक जीरो ह्यूमिडिटी एक दिस कंटेनर, आप मेरे पास दो कंटेनर हैं, एक कंटेनर जिसमें 0% ह्यूमिडिटी है और दूसरे कंटेनर में क्या हुआ 100% ह्यूमिडिटी है, इट मीन्स देर इज द प्रेजेंस ऑफ मोर वाटर वेपर। इट कहने का मतलब जब एटमोस्फेयर कॉलम में जब ज़्यादा वाटर वेपर हैं तो वाटर वेपर दैट इज अ कंडक्टर, क्योंकि एटमोस्फेयर वाटर वेपर की जो मैं बात कर रहा हूँ दैट कंटेन मिनरल्स, और कुछ तरह से क्या होता है वो कंडक्टिविटी को, उसमें कंडक्टिविटी कुछ एटमोस्फेयर में कंडक्टिविटी को कन्फर्म करते हैं, मोर द वाटर वेपर मोर द कंडक्टिंग नेचर ऑफ द एटमोस्फेयर कॉलम। तो उसी तरह से एक आपका देख रहे हैं इसमें साइड व्यू आपका, एक मैंने पिक्टोरियल लिया है कि आप देख रहे हैं कि एक ये जो आपकी स्लाइड्स है आपके यहाँ देख सकते हैं कि दिस इज द एटमोस्फियर हैविंग मोर वाटर वेपर, मीन्स एक ह्यूमिड एटमोस्फियर है। तो ह्यूमिडिटी क्या करती है, क्योंकि आपको मालूम है जो वाटर वेपर एटमोस्फियर के जो वाटर वेपर होते हैं दैट कंटेन मिनरल्स, आई एम प्लीज नोट दैट वाटर वेपर कंसिस्टिंग मिनरल्स, कहाँ जब ये एटमॉस्फेयर में होते हैं तो उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं और वो क्या करते हैं, दे दोज मिनरल्स आर रिस्पॉन्सिबल टू मेक द वाटर वेपर टू बी कंडक्टिव। अब बात करते हैं इसका आंसर्स, बिकॉज इन ह्यूमिड डेज द एयर पार्टली बिकम कंडक्टिंग, जो एयर है वो पार्टली कंडक्ट मीन्स उसकी नेचर कंडक्टिंग नेचर हो जाती है, नॉट कंप्लीटली आई एम टॉकिंग पार्टली, विच लीड टू लीकेज चार्जेस, वो क्या करते हैं जिससे चार्जेस लीकेज हो जाते हैं, और जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ग्राउंडिंग कॉन्सेप्ट, इसके बाद मैं आपको फिर उस कॉन्सेप्ट या ग्राउंडिंग कॉन्सेप्ट पे आना चाह रहा हूँ, क्योंकि जिन जिन स्टूडेंट्स ने जो मेरे प्रीवियस लेक्चर्स अटेंड नहीं किए हैं, आज जो कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राउंडिंग क्या है उसको अंडरस्टैंड कर लीजिए फिर, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो इस मॉड्यूल में जो क्वेश्चंस मैंने जितने भी लिए हैं जो टोटल 16 क्वेश्चन इस मॉड्यूल में, मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं बेस्ड ऑन द ग्राउंडिंग कॉन्सेप्ट। तो कैसे चार्ज लीकेज होता, मीन्स अब दैट्स वाई इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्सपेरिमेंट नॉट सपोर्टेड बाई ह्यूमिड एटमोस्फियर। अब मैं जिन स्टूडेंट्स ने नहीं आथिंग कॉन्सेप्ट जिनको अभी भी क्लियर नहीं है, मैं पहले जो अपने प्रीवियस लेक्चर्स में जो डिलीवर किए थे पहले उस पे जाना चाह रहा हूँ कि आप एक बार इस दोबारा उस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर लीजिए, जो अर्थिंग कॉन्सेप्ट है क्या है। आप देखिएगा इसको मैं एक सिंपल सा एक पिक्टोरियल डायग्राम है मेरे पास,
आप देख रहे हैं कि क्या जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज करते हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे एक दिस इज अ नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट और अनदर वन इज अ पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट। एक के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है दूसरे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है एंड वन पर्सन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, एक व्यक्ति जो है वो ग्राउंड पे खड़ा हुआ है और उसने दो तरह की एक्टिविटीज परफॉर्म करा है। इन फर्स्ट एक्टिविटीज में वो क्या कर रहा है, इस बॉल को जो नेगेटिवली चार्ज है उसको टच कर रहा है। जब टच कर रहा है तो क्या नोटिस हो रहा है, आप क्या क्या ऑब्जर्वेशन यहाँ पे मॉनिटर कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स जो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ ग्राउंड हो गए, टू द ग्राउंड। नेगेटिव चार्ज कहाँ ग्राउंड हो गए, टू द ग्राउंड थ्रू ह्यूमन बॉडी। वेयर एज इन केस ऑफ इन दो जो आपका सेकंड केस है जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वहां पे जो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है दैट इज फ्रॉम ग्राउंड टू ऑब्जेक्ट, तो पॉजिटिव चार्ज ग्राउंड टू ऑब्जेक्ट, क्योंकि आप देखें दोनों ही केसेस में किसका फ्लो है, इलेक्ट्रॉन फ्लो। दोनों केसेस में क्या है, इलेक्ट्रॉन फ्लो। तो इट मींस जब नेगेटिव चार्ज है तो फ्लो बॉडी टू ग्राउंड, जब पॉजिटिव चार्ज है देन ग्राउंड टू बॉडी, और दोनों का मीडियम जो है ह्यूमन बॉडी। तो दिस इज द अर्थिंग, आप इस अर्थिंग के कॉन्सेप्ट को मैं थोड़ा और आप नेक्स्ट जो स्लाइड्स हैं वहां पे एक्सप्लेन करने की यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे भी इस तरह की स्ट्रक्चरल लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स में ये चीजें बताई थी जिनको अभी मालूम नहीं है आपका। दिस इज सिंबल, अर्थिंग का सिंबल है, दिस इज अ सिंबल फॉर ग्राउंडिंग। इट मींस हमने यहाँ पे ग्राउंडिंग अप्लाई की है और वही कॉन्सेप्ट है, नेगेटिव को जब करेक्ट किया उसको जो ग्राउंड किया बॉडी को, नेगेटिव चार्ज बॉडी को, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम बॉडी टू ग्राउंड, और यहाँ पे उल्टा है पॉजिटिव ग्राउंड टू बॉडी। अब उसी कंसेप्ट को लेके ये क्वेश्चन जो आज का है, क्या होता है कि जब एटमॉस्फेरिक कॉलम में ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है तो दैट बिकम पार्टली कंडक्टिव, और जब क्या होता है जब किसी ऑब्जेक्ट को हम चार्ज करते हैं तो क्या होता है वो चार्ज लीकेज होता है, उसका डिस्चार्ज होता है फ्रॉम बॉडी टू ग्राउंड। मीन ग्राउंड क्या रोल करता है, टू न्यूट्रलाइज द चार्ज ऑफ द बॉडी, जो किसी बॉडी के ऊपर चार्ज प्रोड्यूस हुआ उसको न्यूट्रलाइज करना। इसलिए इन एक्सपेरिमेंट को उन डेज में हम ज्यादा प्रेफर नहीं करते हैं। तो सेट नंबर वन का जो सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई आपका आप देखें कि व्हाई इट इज नॉट इजी टू चार्ज ए बैलून ऑन ड्राई डे देन द ह्यूमिड डे, वही क्वेश्चन है, परंतु इसका आंसर कैसे आपको एक्सप्लेन करना है। कॉन्सेप्ट एक है, आप देखते हैं कि आप कि बैलून के ऊपर जो हम क्या कहते हैं, क्वेश्चन कहने का है मतलब एक बैलून को अगर हमने चार्ज प्रोड्यूस करना है तो बैलून को आपको मालूम है कि कल भी मैंने रिपीट किया था कि यू हैव टू लिस्ट द पेयर ऑफ सब्सटेंसेस, आपके जो पेयर ऑफ सब्सटेंसेस हैं जो इलेक्ट्रीफाइड होते हैं उनकी एक लिस्ट प्रिपेयर करनी है, और तो कौन कौन से पेयर को हम आपस में रब करने पे किस ऑब्जेक्ट के ऊपर कौन सा चार्ज होता है और दूसरे के ऊपर कौन सा होता है, उनकी एक लिस्ट प्रिपेयर करें थी। आज फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आप अपनी नोटबुक में घर में इस काम को कर लीजिए। अब यहाँ पे बैलून को जब रब किया जाता है तो बैलून के ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है, बैलून के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। अब बैलून के ऊपर नेगेटिव चार्ज का पीछे फंडा क्या है, आप देखिएगा यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हेयर जो हेयर है दैट इज अ ड्राई हेयर, आई एम रिपीटिंग ड्राई हेयर नॉट ऑयली एंड बैटी हेयर, दिस इज अ केस ऑफ ड्राई हेयर। जो ड्राई हेयर है आप देख रहे हैं कि जब बैलून को रब किया जाता है तो उसमें क्या होता है, जब हम हेयर को रब करते हैं तो हेयर पे क्या होता है, चार्ज प्रोड्यूस होते हैं। जो चार्ज प्रोड्यूस होते हैं अब वो किस नेचर के होते हैं, अब देखिएगा जब हम रब करते हैं तो क्या होता है उसमें, इस तरह से हेयर्स में आप एक देख रहे हैं कि यहाँ पे पेयर है, एक मॉलिक्यूल्स का पेयर है नेगेटिव एंड पॉजिटिव, आपका जो नेगेटिव एंड एक मॉलिक्यूल्स है वो उसमें एक नेगेटिव आइन है और दूसरा पॉजिटिव, दैट इज अ पेयर नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज मॉलिक्यूल्स में। तो इसमें जब हम इसको रब करते हैं तो बैलून के जो नेगेटिव चार्ज हैं
नेगेटिव सॉरी बैलून के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज हैं, जो यहाँ के पॉजिटिव चार्ज हैं, आप देखिएगा यहाँ के जो पॉजिटिव चार्ज हैं इन इलेक्ट्रॉन के साथ न्यूट्रलाइजेशन फैक्टर अप्लाई करते हैं। जब क्या होता है, क्योंकि एवरी सब्सटेंस मेड ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स और दे आर इन पेयर्स, और जब हम इसको रब करते हैं तो बैलून के कुछ पॉजिटिव चार्ज, जो कुछ पॉजिटिव चार्ज हैं, गेट न्यूट्रलाइज बाय द नेगेटिव चार्ज ऑफ द ह्यूमन हेयर। तो इन नट सेल, फिर बात करते हैं कि नट सेल में आप इस द सेकेंड केस, अब बैलून के ऊपर जो है, अब नेट की हेयर इज आई एम टॉकिंग अबाउट द नेट चार्ज, यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ किस बात की कर रहा हूँ, अबाउट द नेट चार्ज, नेट चार्ज ऑन द बैलून, क्योंकि अब इसके ऊपर जो नेट चार्ज है दैट इज नेगेटिव इन नेचर। व्हाई दैट इज इन नेगेटिव नेचर, क्योंकि जो ह्यूमन हेयर के जो नेगेटिव चार्ज हैं बैलून के पॉजिटिव चार्ज के साथ कुछ चार्ज क्या हो गए, न्यूट्रलाइज हो गए, एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल आउट कर लिया, कैंसिल आउट किया, तो इसमें आप क्या हुआ कि जो पॉजिटिव चार्ज है दे बिकम लेस इन नंबर्स, जो पॉजिटिव है दे बिकम लेस इन नंबर्स इन केस ऑफ बैलून्स। तो इसमें क्या हो, तो नेगेटिव चार्ज की संख्या ज़्यादा होगी तो इसलिए बॉडी स्क्वायर नेगेटिव चार्ज। तो इसी तरह से इस केस को अगर देखा जाए तो हेयर के केस में जो नेगेटिव चार्ज कहाँ न्यूट्रलाइज हो गए, उनका फिर विद द पॉजिटिव चार्ज ऑफ बैलून, बैलून के पॉजिटिव के चार्ज के साथ इनमें क्या हो गया, इनका न्यूट्रलाइजेशन हो गया। और यहाँ पे इट मीन जमीन देख सकते हैं एबोनाइट रॉड को, जब हाथ आप एक नेकेट हैंड, आप मान लीजिए मेरे हाथ में एबोनाइट रॉड है, मैंने इसको वूल के ऊपर रब किया और तो एबोनाइट रॉड के ऊपर इट गेट चार्ज, तो एबोनाइट रॉड जब उसको हेल्प किया तो इट गेट चार्ज। जबकि क्या हुआ, यदि हम एबोनाइट को रिप्लेस कर दें और कॉपर का केस रिपीट करें परंतु तो वो चार्ज नहीं होता है, तो ऐसा क्यों होता है। मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी, आज के लेक्चर्स में भी शुरुआत में बात की थी कॉन्सेप्ट ऑफ हर्थिंग। अब देखिएगा जब एबोनाइट रॉड है, जब हम इसको रब करते हैं तो उसके ऊपर जो चार्ज प्रोड्यूस होता है, और एबोनाइट के ऊपर दैट इज एबोनाइट, दैट इज उसकी नेचर कैसी है, दैट इज इंसुलेटर, और जो कॉपर है दैट इज अ कंडक्टर, इंसुलेटर होता है विच कंडक्ट विच डज नॉट अलाउ द पासिस टू इलेक्ट्रिक चार्जेस। जबकि क्या होते हैं, जो कंडक्टर होते हैं विच अलाउ द पासिस टू द इलेक्ट्रिक चार्जेस, जिसमें से इलेक्ट्रिक चार्ज पास हो जाते हैं, जबकि इंसुलेटर में ऐसा नहीं है। अब क्या होता है, जब हम इंसुलेटर को रब करते हैं तो चार्ज उसके ऊपर डेवलप हो जाते हैं बट दे फ्लो नहीं करते हैं एक एंड से दूसरे एंड में। ये मैंने आपको पीछे भी एक्सप्लेन किया था, हो सकता है मैंने नेक्स्ट स्लाइड में इसको देने की, इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की, जिसको अभी भी क्लियर नहीं है तो आगे आने वाली स्लाइड्स में चेक कर सकता है। परंतु इन केस ऑफ मेटल जब हम इसको इसमें चार्ज जो सैंड पे प्रोड्यूस हुआ, मान लीजिए यहाँ पे जब रब किया चार्ज प्रोड्यूस हुआ तो कॉपर जब हुआ तो कॉपर के ऊपर क्या प्रॉपर्टी है मेटल की, इसके ऊपर इस पूरे के पूरे सरफेस पे वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करता है। और दूसरी तरफ मैंने नेकेट जो मेरे विदाउट ग्लोव्स, मैंने इसको अगर क्योंकि दिस इज टच विद माई नेकेट हैंड, और जब है जो चार्ज यहाँ से जो डेवलप हुआ, जो यहाँ से फ्लो हुआ, और मैंने पहले बात की जो ह्यूमन बॉडी है दैट इज कंडक्टिंग, और चार्ज जो है थ्रू माई बॉडी से कहाँ हो गया, कहाँ फ्लो हो गया, टुवार्ड द ग्राउंड, जो चार्ज प्रोड्यूस हुआ कहाँ हुआ, थ्रू मेटल से मेरी बॉडी से होकर ग्राउंड हो गया। इसलिए कॉपर के ऊपर या कॉपर के ऊपर चार्ज हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, इसलिए कॉपर के ऊपर चार्ज प्रोड्यूस नहीं करते हैं व्हाइल इन केस ऑफ इंसुलेटर। ये कॉन्सेप्ट ये स्लाइड इस चीज़ को एक्सप्लेन करती है, आप इसको पढ़िएगा देखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है शेड्यूल दिस मॉड्यूल नंबर सेकंड का क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल टू चार्ज वन एंड ऑफ अ मेटल, वही क्वेश्चन है जो मैंने कहा कि मैं नेक्स्ट स्लाइड की बात कर रहा हूं, मैं इसी स्लाइड की बात कर रहा हूं। आप यहां पे दो तरह की एक्टिविटीज परफॉर्म की हैं, ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया आपका लेक्चर नंबर सेकंड में। तो आप सबसे पहले इस नॉन मेटल का केस देख लीजिएगा, जो नीचे का जो केस है आपका इसमें चेक कीजिए यहाँ पे क्या कि जो एक्टिविटी क्या शो करती है। आपके पास एक मेटालिक स्पीयर है, आपके पास एक मेटालिक स्पीयर है,
और सॉरी मेटालिक ने नॉन मेटल स्फीयर में, पहले नीचे वाले केस की बात कर रहा हूँ, नॉन मेटल स्फीयर है और ये एक एबोनाइट रॉड है जो नेगेटिवली चार्ज्ड है। जब इस एबोनाइट रॉड को इस नॉन मेटल स्फीयर के साथ कॉन्टेक्ट में रखा तो आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर बाद में फिर हटा दिया कि उसके ऊपर क्या होगा, वो नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर स्टे हो गए, नेगेटिव चार्ज स्टे हो गए। अब देखिएगा जो सेकंड जो आपकी जो अपर जो इसमें अपर पैनल में जो मैंने एक्टिविटीज है, आप इस एक्टिविटी में चेक कीजिएगा, सेम प्रोसेस जब रिपीट किया इन केस ऑफ मेटल, किस केस में, इन केस ऑफ मेटल स्फीयर, जब मेटल स्फीयर के केस में जब ये ही एक्सपेरिमेंट जब हमने कंडक्ट किया तो आप देखें जैसे हमने एबोनाइट रॉड को रिमूव किया जो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है मेटल पे वो क्या हो गया, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, मीन इसके इंटायर सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, जबकि कंडक्टर के केस में इट स्टे, ये कहाँ हो गया, वहीं स्टे हो गया, जबकि मेटल के केस में इट डिस्ट्रीब्यूट। तो इस चीज़ को पहले आपको कंसेप्ट को क्लियर करना है, अगर आप इस ये चीज़ें आपको अंडरस्टैंड होगी तो आप इसका आंसर अपने शब्दों में दे सकते हैं। मैंने भी यहाँ कोशिश की है कि इसको इसको कैसे आंसर किया जाए, जो आपका क्वेश्चन है व्हाई इट इज़ नॉट पॉसिबल टू चार्ज वन एंड ऑफ अ बॉडी, एक जो मेटालिक बॉडी है उसके एक एंड को हम क्यों नहीं चार्ज करते हैं, क्योंकि जब हम रब करते हैं, जो मैंने पीछे आपको केस एक्सप्लेन किया, रब करते हैं मेटल के केस को, मेटल केस है तो इसमें जो चार्ज प्रोड्यूस होता है यहाँ पे वो चार्ज गेट ट्रांसफर इस मेटल के ऊपर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है एंटायर, और इसलिए हम उसके एक एंड को एक एंड के ऊपर चार्ज अकमुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि मेटल के केस में वो क्या होता है एंटायर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो आप इसका आंसर ऐसे दे सकते हैं। अब आपका जो मॉड्यूल नंबर सेकंड का जो सेट नंबर टू है, इसमें मैंने क्या किया, मेरी कोशिश ये रही है इस लेक्चर्स में या आने वाले लेक्चर्स में कोशिश रही है, जब भी आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन को लेके आऊँ तो इनको मैं मॉड्यूल वाइज लेके आऊँ, क्योंकि मॉड्यूल मीन्स एक ही सिमिलर नेचर के क्वेश्चन जो एक ही कॉन्सेप्ट या एक या बहुत क्लोजली कॉन्सेप्ट के साथ इंटरलिंक्ड हैं। तो आपका जो सेट नंबर टू है इसमें मैंने 5, 6 and 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 हैं, और ये क्वेश्चंस जो हैं अराउंड अबाउट एक सिमिलर कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप इनको एक बार, आपकी स्लाइड्स पे है, आप इनको एक बार नज़र रीड कीजिएगा। हाउ डज ए पॉजिटिव चार्ज ग्लास रॉड अट्रैक्ट पेपर पीस। क्वेश्चन नंबर 6 व्हेन ए न्यूट्रल ऑब्जेक्ट अट्रैक्टेड बाई अ चार्ज ऑब्जेक्ट वाई इट कैन नॉट बी रिपेल्ड। क्वेश्चन नंबर 7 ए पीस ऑफ पेपर व्हेन ब्रॉट नियर ए चार्ज बॉडी अट्रैक्टेड टुवर्ड इट व्हाट आफ्टर टचिंग इट फॉल अवे व्हाई। जो क्वेश्चन नंबर 4 है दैट इज ऑप्शनल बेस क्वेश्चंस हैं। ए पॉजिटिव चार्ज ग्लास रॉड ब्रॉट नियर एंड अनचार्ज पिट बॉल पेंडुलम द पिट वॉल्स, इसके ऊपर चार ऑप्शंस हैं, इन चार में से कौन सा सही होगा ये आपको देना है। आप एक बार इनको फिर नजर दीजिए, स्टे फॉर ए व्हाइल, और देखिए और अपनी थिंकिंग लेवल के हिसाब से अपने आप सोचिए कि इनके पॉसिबल आंसर्स क्या हो सकते हैं, क्योंकि आपने एक ही कॉन्सेप्ट का, ये आपका फोर्थ लेक्चर है एक ही इलेक्ट्रिक चार्जेस को लेके, तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आप पे अब तक क्लियर हो गए होंगे। चलिए लेट मी टू एक्सप्लेन द क्वेश्चन नंबर 5। आप मेरे को क्वेश्चन नंबर 5 को एक्सप्लेन कर देखिएगा मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करता हूँ। तो हाउ डज ए पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड अट्रैक्ट पेपर पीसेस, यानी का मतलब है एक चार्ज बॉडी, जैसे मैंने कहा स्टार्टिंग में जब इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने आपसे बात कही थी कि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स में अपने ड्यूरिंग स्कूल आवर्स में जब मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट, बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हुए देखा है, होता क्या है स्टूडेंट्स के ज्योमेट्री बॉक्स में एक स्केल होता है, प्लास्टिक स्केल होता है, और उसको बहुत सारे स्टूडेंट्स उसको अपने भूल के ऊपर कोई अपने हेयर्स के ऊपर जब रब करता है देन उसको प्लेस करता है नियर टू पेपर पीसेस या नियर टू ग्राउंड, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज मॉनिटर करता है कि जो डस्ट पार्टिकल्स हैं दे विल ट्रैवल और जाके उस स्केल के साथ चिपक जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं। अब क्वेश्चन ये है
कि ऐसा क्यों होता है, व्हाई पेपर पीसेस स्टिक विद द चार्ज रॉड, ये चार्ज ऑब्जेक्ट के साथ क्यों स्टिक हो जाते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पे फिर एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इससे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए जिसको हम कहते हैं पोलराइजेशन। मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ, मान लीजिए सबस्टांस, और सबस्टांस में क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं। इन इनिशियली में किस स्टेट में होते हैं, इसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इस तरह से होते हैं। जब क्या होता है, जब हम इसके एक तरफ फेसिस के तरफ मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक पॉजिटिव प्लेस प्लेस कर दिया, देन व्हाट हैपन विद दिस सब्सटेंस, इस सब्सटेंस के जो एटम्स कैसे बिहेव करते हैं, तो इस एटम्स में क्या होता है, आप देख रहे हैं कि इसके यहाँ पे नेगेटिव इस फेसिस पे यहाँ पे काम नहीं कर रहा, इस फेसिस पे जो आके अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इस बॉडी पे और दूसरे फेसिस पे उस पर पॉजिटिव, मीन पोलराइजेशन, इस सबसे पोलराइजेशन हो जाता है। और पोलराइजेशन हो जाता है, क्या होता है, आप क्या नोट कर रहे हैं कि इस ऑब्जेक्ट के जो आप देख रहे हैं कि जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जो लेयर है उसके बीच का जो डिस्टेंस नंबर वन और नंबर सेकंड, इस पॉजिटिव लेयर और इस पॉजिटिव लेयर के बीच का जो सेपरेट जो लेयर के बीच का जो डिस्टेंस है लार्ज है कंपेयर टू द पॉजिटिव और नेगेटिव लेयर के, एक चीज आप नोट कर लीजिए। फिर एक बार फिर मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जो नेगेटिव और पॉजिटिव जो लेयर है उनके बीच का जो सेपरेशन उनके बीच का जो डिस्टेंस है कम है कंपेयर टू पॉजिटिव पॉजिटिव। अब आपको मालूम है कि फंडामेंटल लॉ क्या कहता है, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच अट्रैक्शन होता है और पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अब जो हम दो तरह की फोर्सेज यहां लग रही है, अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव, अब कौन विच वन इज द स्ट्रांगेस्ट, कौन सी ज्यादा डोमिनेटिंग है, ऑफ कोर्स जो अट्रैक्टिव फोर्स है दैट इज द स्ट्रांगेस्ट, क्योंकि जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्लोज है पॉजिटिव और पॉजिटिव टू रहे, इट मींस जो नेचर है अट्रैक्टिव फोर्स की दैट इज द स्ट्रांगेस्ट, स्ट्रांगर देन द रिपल्सिव, वो जो अट्रैक्टिव फोर्सेज जो ओवरकम कर रही है रिपल्सिव फोर्सेज को, तो इसी वजह से क्या होता है वो पेपर पीसेस को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो यही इसी सेट नंबर इस क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि व्हेन ए पॉजिटिव चार्ज बॉडी प्लेस नियर द पेपर पीसेस द न्यू चार्ज इज प्रोड्यूस्ड इन द अपोजिट, आप इसको देखिए जो मैंने एक्सप्लेन किया है। अब उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई ए न्यूट्रल ऑब्जेक्ट अट्रैक्टेड बाय चार्ज ऑब्जेक्ट, व्हाई इट कैन नॉट बी रिपेल्ड, व्हाई ए न्यूट्रल ऑब्जेक्ट अट्रैक्टेड बाय चार्ज ऑब्जेक्ट व्हाई इट कैन नॉट बी रिपेल्ड, वही क्वेश्चन है, परंतु अब आंसर का जो रिस्पांस है कुछ किस ढंग से आपको देना है। जो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे मैंने पीछे वाले केस में बात की पेपर पीस की, वो क्या होते हैं, जो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट हैं चार्ज ऑब्जेक्ट की ओर अट्रैक्ट होते हैं और रिपेल क्यों नहीं होते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा है। और पिछला जो लास्ट क्वेश्चन जिससे प्रीवियस क्वेश्चन था क्या पूछा था, दे अट्रैक्ट, तो आप देखिएगा मैं इन लाइंस को फिर पढ़ रहा हूँ, When a positively charged body placed near to paper piece, due charges produced in the opposite faces of the paper, the force of attraction is more compared to the force of repulsion. Therefore, net force is attractive. इसको मैंने इस ढंग से आंसर किया। अब क्वेश्चन कंसेप्ट तो वही है परंतु जो आंसर है मेरा वो एक जैसा नहीं रहेगा। When a positive charged body placed near to a neutral object, new charges produce in the opposite faces of the neutral object. The force of repulsion is less as compared to the force of attraction. That's why it not repelled by the charges. क्योंकि यहाँ पे आपकी लास्ट लाइन्स को देखिए कि यहाँ पे क्या हुआ कि जो force of repulsion की मैंने बात की कि questions examiner ने वही पूछा है, वो आपका आंसर उसी लैंग्वेज में उसी टोन में आपसे आंसर चाह रहा है कि जो फोर्स ऑफ रिपल्सन है वो क्या है, लेस कंपेयर टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसलिए दे डोंट रिपेल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसको गो थ्रू कीजिए और देखिएगा कि इसके आप आंसर्स कैसे दे सकते हैं।
यदि किसी स्टूडेंट्स की कोई क्वारीज है तो अपने कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स में अपने क्वारीज ये लिख सकता है। इफ यू हैव सम क्वारीज यू कैन नॉट। यदि किसी स्टूडेंट्स की कोई क्वारीज है तो अपने यहाँ पे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकता है, हो सकता है कि मैं बीच में उन क्वारीज को अटेम्प्ट करूँ या फिर नेक्स्ट वीडियो में उनको लेके आऊँ। तो आपकी जो भी क्वारीज हैं साथ साथ में कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। अब मेरा क्वेश्चन नंबर 7 जो आपका देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 ए पीस ऑफ पेपर, अब इसी का वेन ब्राउट नियर ए चार्ज बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड बट आफ्टर टचिंग बॉडी इट फॉल्स अवे वाई, वही सिमिलर कॉन्सेप्ट है परंतु इसका जो अंदाज है इसका जो थिंकिंग लेवल है थोड़ा सा हाई है। जो प्रीवियस जो क्लास के जो 2 क्वेश्चंस मैंने जो अटेम्प्ट किए उनका थिंकिंग लेवल थोड़ा लो है, इनका थोड़ा सा इसका थोड़ा सा इससे थोड़ा सा ऊपर है। अब कहने का मतलब है जब किसी पेपर मान लीजिए मेरे पास से चार सब्जेक्ट है, दिस इज अ चार सब्जेक्ट और इस सब्जेक्ट के नियर बाई मैंने एक पेपर पीस लेके आया और ये क्या करता है निचली इसको अट्रैक्ट करता है, जो अभी हमने लास्ट टू क्वेश्चंस में हमने देखा। जब अट्रैक्ट किया फिर जैसे इसके साथ टच हुआ देन इट फॉल, ऐसा क्यों होता है? आपने देखा है जो भी एक्सपेरिमेंट आप परफॉर्म करते हैं किसी ऑब्जेक्ट चार्ज हो गया पेपर पीसेस उसके साथ स्टिक हो गया देन थोड़ी देर के बाद क्या होता है इंस्टेंटली देन इट फॉल्स, दो पेपर पीसेस फॉल, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब एक तो होता है इंड्यूस चार्जेस, नंबर 1 द कॉन्सेप्ट ऑफ इंड्यूस चार्जेस, पेपर पीसेस केस क्या होता है इससे इंड्यूस चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं। मान लीजिए दिस इज अ पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है तो इस तरफ पेपर पीसेस के ऊपर यहाँ पे नेगेटिव की लेयर दूसरी तरफ पॉजिटिव की, तो क्या होता है इंड्यूस चार्जेस जो की वजह से वो क्या होता है क्योंकि पेपर इज डायलैक्ट्रिक। एक चीज़ और है आपको नोट करनी है, जो नेक्स्ट कमिंग लेक्चर्स आपके रहेंगे तो डायलैक्ट्रिक का कॉन्सेप्ट भी आप अंडरस्टैंड करेंगे, तो अभी तक सिर्फ ये नोट कीजिए कि पेपर इज डायलैक्ट्रिक इन नेचर। तो डायलैक्ट्रिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं जिसमें न्यू चार्जेस डेवलप करते हैं, तो क्या होता है जब वो टच करते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन फैक्टर काम करता है, जो मैंने पहले भी बात की थी। तो न्यूट्रलाइजेशन फैक्टर जब काम हुआ तो दे ड्रॉप। क्वेश्चन नंबर 8, आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 है ए पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड इज, आपको ये थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन, ए पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड इज ब्रॉट नियर एंड अनचार्ज पिट बॉल्स पेंडुलम द पिट बॉल, ये आपके लिए क्वेश्चन है। आप अपना इस पर जो भी पॉसिबल आंसर है आप अपना कमेंट बॉक्स में अभी नोट डाउन कि इसका पॉसिबल आंसर क्या हो सकता है। ए पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड ब्रॉट नियर अनचार्ज पिट बॉल्स पेंडुलम, जब किसी पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट को या ग्लास रॉड को हम अनचार्ज पेंडुलम के नियर बाई ले आके आते हैं, क्योंकि बात कहाँ की हो रही है, पेंडुलम है पिट बॉल है जिसके ऊपर जो इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, जब एक चार्ज रॉड को पॉजिटिव चार्ज रॉड को इसके नियर बाई नॉट इन कॉन्टेक्ट मैं इसको टच नहीं, क्वेश्चन कह रहा है कि इसके नियर बाई इसको प्लेस करना है तो क्या होता है, व्हाट हैपन अट्रैक्ट टुवर्ड ए पिट बॉल इज, पिट बॉल क्या होता है अट्रैक्टिव टुवर्ड बॉल, या तो बॉल की तरफ अट्रैक्ट होता है या रिपेल्ड अवे या ये होगा या नो चेंज या अट्रैक्ट टुवर्ड द रॉड तो उसका टच करेगा देन थ्रोन अवे। बहुत बेसिक क्वेश्चन है और अपने कमेंट बॉक्स में अभी अभी किसी को अभी भी क्लियर नहीं है तो अपने कमेंट्स बॉक्स में दे दीजिए, मैं उसका अभी इसका जो क्या आंसर रहेगा मैं कोशिश करूंगा कि अभी उनको एक्सप्लेन करने की। आई हैव सीन नो कमेंट्स। On this, no comments. Uh,
श्याम चंद संबन हैव आस्क्ड द क्वेश्चंस इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन देन ओके इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन अनदर वन को अभी एक स्टूडेंट की जो क्वेरीज है दैट इज रिगार्डिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन किसी ने अभी अपने क्वेरीज की जो बात की दैट इज कंसर्न अबाउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की किसी ने अपनी क्वारीज एक्सप्लेन करने के लिए कहा है कि उसको थोड़ा सा क्लेरिफाई कीजिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन जो मैं उसकी कमेंट्स बॉक्स में जाके जो समझ पा रहा हूँ कि शायद उन्होंने ये जानने की कोशिश की है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन को एक्सप्लेन या उसको जानना चाह रहे हैं उसके बारे में तो इस क्वेश्चन को भी आप सोचिए तब तक मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन अभी आपके पास ऑप्शन नंबर फोर हैं तो ऑप्शन नंबर फोर में क्या रहेगा। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शंस को अगर मैं आपसे बात करूं तो इसको मैंने कुछ प्रीवियस स्लाइड्स पे अगर मेरे पास अभी यहां पे मिलेगी प्लीज वेट यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो बात की गई है इलेक्ट्रो चार्जिंग बाय इंडक्शन दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन मीन व्हेन किसी ऑब्जेक्ट को हम किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर हम चार्ज प्रोड्यूस करते हैं एट सर्टेन डिस्टेंस मीन विदाउट एनी फिजिकल और विदाउट एनी रबिंग प्रोसेस हम बिना किसी ऑब्जेक्ट को सर्टेन डिस्टेंस पे उसको इंडक्टाइज करना उसको उसके ऊपर उसको उसके ऊपर अपना इन्फ्लुएंस प्रोड्यूस करना दैट इज कॉल्ड इंडक्शन। तो सबसे पहले इंडक्शंस को आपको अंडरस्टैंड करना है यदि किसी भी अगर मैं आपको एज ए लेमैन की बात करूं या अगर आपको इंडक्शन आप जनरली समझ ना पा रहे हैं मान लीजिए मैं किसी रास्ते से जा रहा हूं और रास्ते में एक आपको एक कैट आप उसी रास्ते में बहुत नैरो रास्ता है और कैट एट सर्टेन डिस्टेंस पे वहां पे बैठी आपके रास्ते में बट देन व्हाट हैपन यू आर इंटरेक्शन विद द कैट आपका उस कैट के साथ इंटरेक्शन होगा दैट इज कॉल्ड उससे क्या हुआ यू हैव टू चेंज योर पाथ या कैट को या तो आपको अपना पाथ चेंज करना पड़ेगा दैट इज कॉल्ड इंडक्शन मीन टू प्रोड्यूस इफेक्ट ऑन द अदर ऑब्जेक्ट विद एट सर्टन डिस्टेंस दैट इज कॉल्ड इंडक्शन। अब यहां पे आप देख रहे हैं इंडक्शन मेथड्स को आप कैसे मैंने यहाँ पे इसको डिफरेंट एक्टिविटीज से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन है आपका जो नंबर वन प्लास्टिक रॉड है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और एक पिट बॉल्स है पिट बॉल्स इनिशियली हैविंग नो चार्ज जब उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है क्योंकि आपको मालूम है कि प्रोटोन और इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आर इन पेयर्स जब किसी मॉलिक्यूल में पॉजिटिव और नेगेटिव दे आर इन पेयर्स में होते हैं और इस तरह से बहुत सारे हर मॉलिक्यूल तो एज ए होल पिट बॉल इज न्यूट्रल जब मैंने इस प्लास्टिक रॉड को प्लेस टू नियर वाई जब आप देख रहे हैं यहाँ पे प्लेस टू नियर बाई पिट वॉल्स में क्या हुआ इसमें पोलराइजेशन अकर हुआ पोलराइजेशन मीन जो पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्टेड बाय द नेगेटिव चार्ज ऑफ द प्लास्टिक रॉड और नेगेटिव चार्ज जो है रिपेल्ड और दूसरी तरफ चले गए तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि एक लेयर पॉजिटिव चार्ज की और दूसरे फेस में अपोजिट फेस में उसके नेगेटिव चार्ज की प्रोड्यूस होगी इन देन सेकेंड केस दिस इन सेकंड केस में आप देखें कि जब मैंने क्या किया इस बॉल को ग्राउंड कर दिया या आप मान लीजिए बॉल को टच कर लीजिए लो बैटरी जस्ट ओके जब इसको टच किया तो जो नेगेटिव या आप देख रहे हैं कि जो नेगेटिव चार्ज क्या हो गए ग्राउंड हो गए जब ग्राउंड हो गए एंड देन नेगेटिव चार्ज उसको ग्राउंडिंग को हमने रिमूव कर देते हैं तो ग्राउंडिंग को जब रिमूव करते हैं जो अब इसके पीछे कौन सा चार्ज है इस बॉल के ऊपर
दैट इज अ फर्स्ट थिंग। और ये जो इस बॉल के ऊपर जो मेटल है इसके ऊपर इंटायरली डिस्ट्रीब्यूट हो गई, तो इट बॉडी बिकम पॉजिटिवली चार्ज। तो ये आपका इंडक्शन है। और इसी तरह से यहाँ पे जो मैंने आपसे क्वेश्चंस आपसे राइज किया था, ए पॉजिटिव चार्ज ग्लास और ब्रॉड नियर अनचार्ज फिट बॉल पेंडुलम, क्या पेंडुलम के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? आई एम नॉट रिसीविंग एनी कॉमेंट्स। तो आंसर इज इट अट्रैक्ट टुवार्ड्स द रॉड, टचेज इट एंड देन थ्रोन अवे। अब क्या होगा कि आप देखिए, मैं इसको एक यहाँ पे आपके पास एक पेंडुलम है, हैविंग इस पे पिट बॉल सस्पेंडेड किया है और इनिशियली हैविंग नो चार्ज, फिर इसके ऊपर की इसको क्या किया मैंने पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट के साथ इसको कॉन्टैक्ट में ले इसको नियर, दैट इज अ केस ऑफ एक पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट इसके नियरली प्लेस किया, देन व्हाट हैपन इसके ऊपर इंड्यूस चार्जेस, जो आपके क्वेश्चन है इंड्यूस चार्जेस यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, और एज ए रिजल्ट ऑफ दैट जो मैंने पीछे का कॉन्सेप्ट क्लियर किया, ये बॉल जो है क्या होगा, इट विल अटैक टू वार्ड दिस रॉड, ये इस रॉड की तरफ अट्रैक्ट होगा, और जब अट्रैक्ट होगा देन जब बॉल की तरफ अट्रैक्ट होगा और देन व्हाट हैपन, अट्रैक्ट होने के बाद इट थ्रोन अवे, क्योंकि इसके बाद ही क्या हो जाएगा, जैसे मैंने अभी बात कही आपको जो पीसेज की जो आपकी बात की, आफ्टर टचिंग इट फॉल अवे, इट थ्रोन अवे, क्योंकि दिस इज अ मेटल, जब अट्रैक्ट किया और पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइजेशन फैक्टर काम किया, उसके बाद पॉजिटिव चार्ज का रिपल्सन अकर्ड हुआ एंड देन थ्रोन अवे। ये आपके लिए वैसे क्वेश्चन आपके लिए था। एंड देन जो आपका लास्ट का जो लेक्चर्स का जो लास्ट मॉड्यूल है, दैट इज सेट नंबर, मॉड्यूल का जो लास्ट सेट है दैट इज सेट नंबर 3, इसमें आपके पास क्वेश्चन नंबर 9-13 है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ फोर्सेज एग्जिस्ट इन बिटवीन टू चार्जेस के बीच कितने कौन कौन सी फोर्सेस लगती हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हीकल कैरिंग इनफ्लेमेबल मटेरियल यूजली हैव मेटालिक रोप टचिंग द ग्राउंड ड्यूरिंग मोशन, वाई। क्वेश्चन नंबर 11, एयरक्राफ्ट टायर्स आर मेड स्लाइटली कनेक्टिंग, वाई। क्वेश्चन नंबर 12, वी कैन प्रोड्यूस हाई वोल्टेज इन आवर ह्यूमन बॉडी विदाउट एनी इलेक्ट्रिक शॉक एंड ए मेटल स्फीयर इज फिक्स्ड ऑन स्मूथ इंसुलेटिंग स्टैंड एंड इज प्लेस नियर टू इट फिक्स स्फीयर गिवन चार्ज, हाउ इट रिएक्ट। अब देखिएगा जो क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस मे एग्जिस्ट इन बिटवीन चार्ज बॉडी, दो चार्ज ऑब्जेक्ट हैं उनके बीच कौन कौन सी फोर्सेज लग सकती हैं या लगती हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि दिस इज क्वेश्चन फॉर यू, कि आप सभी स्टूडेंट्स के लिए है कि जो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं उनमें कौन कौन सी फोर्सेज लगती हैं। तो मैं थोड़ी देर के बाद आपको इनके जो आंसर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं अपने आंसर्स इन कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, मैं थोड़ी देर के बाद उन कमेंट्स बॉक्स पे जाने वाला हूँ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपका, ओके मैंने अभी कमेंट्स बॉक्स में कुछ कमेंट्स रीड किए, तो किसी स्टूडेंट्स ने पूछा था, तो इस वो जानना चाह रहा है कि व्हाट अबाउट द डायलेक्ट्रिक्स, डायलेक्ट्रिक के बारे में जानना चाह रहा, तो जो डायलेक्ट्रिक का जो कॉन्सेप्ट है मेरे इसके बाद कि जो टॉपिक्स रहेंगे जो नेक्स्ट लेक्चर्स हैं उसके बाद मैं उन डायलेक्ट्रिक्स के कॉन्सेप्ट को भी लेके आऊँगा, तो आप अभी उसके ऊपर बात करना, अभी तो इतना समझ लिया, इतना ही अंडरस्टैंड कर लीजिए कि सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें जो इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ नहीं करते हैं, मींस दो सब्सटेंसेस विच डज नॉट अलाउ द पासेस टू द इलेक्ट्रिक करंट बट ड्यू चार्जेस प्रोड्यूस ऑन देयर
फेसेस, उनके अपोजिट फेसेस के ऊपर न्यू चार्ज, जब हम क्या क्रॉस कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो न्यू चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि अभी का जो चैप्टर चला है, जो कॉन्सेप्ट टॉपिक है, दैट रिगार्डिंग टू इलेक्ट्रिक चार्जेस। एक कॉन्सेप्ट की जब बात करेंगे, जब इलेक्ट्रिक की जो बात आएगी, आएगा जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्जेस के बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड पे जाने वाले हैं, जब इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट आएगा तो उस वक्त हम इलेक्ट्रिक स्टैटिक्स की डायलेक्ट्रिक के बारे में भी बात करेंगे कि डायलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं। तो फिलहाल यही है कि ऐसे सब्सटेंसेस जिससे जो इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ नहीं करते हैं, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं उनके अक्रॉस, तो ड्यू चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं, मीन्स पोलराइजेशन। इसमें आपको हमें डाइपोल और पोलर मॉलिक्यूल्स का कॉन्सेप्ट भी थोड़ा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो अभी इसको मैं यहाँ पे स्किप करना चाह रहा हूँ, क्योंकि दिस इज नॉट कंसर्न टू प्रेजेंट टॉपिक्स, ये आपका जो है। तो अभी आप मैं बात करूँगा जो व्हीकल्स हैं आपके पास, जो मान लीजिए जो व्हीकल्स हैं विच कैरिंग हाईली इन्फ्लेमेबल मटेरियल, मीन्स ऐसे ज्वलनशील पदार्थ जो कैरी करते हैं, तो उनको इजिली फायर कैच कर सकते हैं, मीन एक्सीडेंट में ऑकर देयर इफ अर्थिंग का कंसेप्ट हम इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं। यदि वहाँ पे अर्थिंग का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं करते हैं तो वो व्हीकल जो है इजिली फायर कैच कर सकते हैं। वो क्यों फायर कैच कर पाते हैं, आप देखिए कि जब क्या होता है कि मैंने यहाँ पे एक आप देखें एक व्हीकल है, और जब व्हीकल है कैरिंग सम हाईली इन्फ्लेमेबल मटेरियल कैरी कर रहा है, आपका एक टैंकर है, अभी यहाँ पे एक टैंकर लिया हुआ है जो हाईली इन्फ्लेमेबल मटेरियल जब कैरी करता है, तो क्या होता है जब रोड पे चलता है तो इसके टायर्स, जो ट्रक है उसके टायर या जो गाड़ी है जो व्हीकल है उसके टायर्स और रोड के साथ फ्रिक्शन अकड़ होता है, और उस फ्रिक्शन से आपने अभी स्टडी किया जो फ्रिक्शन से क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्जेस, स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्जेस कमुलेट हो जाते हैं ऑन द बॉडी। तो उस वजह से टायर के ऊपर जब वो रन करते हैं रनवे पे या रोड पे, तो उन टायर्स के ऊपर नेगेटिव, क्योंकि रबड़ की जो प्रॉपर्टी है रबड़ के ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है, क्योंकि मैंने पहले भी एक पेयर्स को लेकर बात की थी, जब रबड़ को जिस साथ रबड़ राउड को रब किया तो रबड़ के ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है। तो आपके जो टायर हैं मेड ऑफ रबड़ मटेरियल के बने होते हैं, जो रबड़ मटेरियल जब के साथ जो क्या होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ड्यू टू फ्रिक्शन, कंटिन्यूस फ्रिक्शन रोड के साथ जो रहता है तो नेगेटिव चार्ज, और ऊपर जो आपका जो है जो मेटालिक बॉडी है, जो गाड़ी की जो मेटालिक बॉडी है, तो वहाँ पे क्या होता है वहाँ पे ड्यू टू इंडक्शन, जो स्टूडेंट्स ने बात की ड्यू टू इंडक्शन प्रोसेस, वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होते हैं। तो इस तरह से मोर एंड मोर नेगेटिव चार्ज अकोमोलेशन एंड मोर पॉजिटिव चार्ज ऑन द बॉडी ऑफ द व्हीकल, और जब ज़्यादा चार्ज कमुलेट हो जाते हैं, जब वेरी ह्यूज अमाउंट चार्जेज क्या होता है देयर मे चांस ऑफ स्पार्क, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक स्पार्क के चांसेस होते हैं, और वो क्या होता है किसी बड़े एक्सीडेंट को का कारण बन सकता है। तो इसलिए तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक टेल्स, यहाँ पे टेल्स मीन्स दैट इज द मेटालिक, इसको हम कहते हैं कि दिस इज अ मेटालिक चेन जो क्या करती है ग्राउंड है, जिसको ग्राउंड को टच करती है, क्योंकि जो चार्ज यहाँ पे ग्राउंड क्या करता है, ग्राउंड का कॉन्सेप्ट क्या है टू न्यूट्रलाइज द चार्ज को डिस्चार्ज करना है, ग्राउंडिंग का कंसेप्ट क्या है टू डिस्चार्ज द चार्ज। तो ये क्या करते हैं इस चार्ज को जो पॉजिटिव चार्ज है इसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, इट मीन देयर इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड टू बॉडी, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है ग्राउंड से बॉडी थ्रू दिस मेटालिक वायर। तो ये चीज यहाँ एक्सप्लेन की है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट है एयरक्राफ्ट का केस लिया है, तो एयरक्राफ्ट के टायर है दैट इज क्या होते हैं स्लाइटली, कभी भी मैंने टायर पहले भी टायर की बात की तो यहाँ भी टायर करने उसकी बात कर रहा हूँ, तो स्लाइटली कंडक्टिंग। आप देख रहे हैं जब एयरक्राफ्ट या एरोप्लेन जब ड्यूरिंग लैंडिंग और जब अपना रनवे पे जब लैंडिंग या टेक ऑफ करता है तो उस वक्त क्या होता है जब उस वक्त बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन अकर्ड होता है बिटवीन सरफेस रनवे और टायर के बीच बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, और जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है तो क्या होगा accumulation of huge amount of charge on the tire, टायर के सरफेस के ऊपर ज़्यादा चार्ज accumulate होंगे, और चार्ज वही जो पहले बात की जब चार्ज का accumulation होगा तो मे इलेक्ट्रिक स्पार्क, तो इलेक्ट्रिक स्पार्क होता है और कोई बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है।
तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए, क्योंकि आपको मालूम है कि रबड़ टायर जो है, जो कॉमनली जो प्रक्रिया बनाए जाते हैं, जो उनका मेकअप मेक है, जो मटेरियल है, वो क्या होता है उसमें रबड़ कम होते हैं, परंतु क्या होते हैं अब उनको स्लाइटली कंडक्टिंग बनाया जाता है, इसलिए क्योंकि रबड़ इज इंसुलेटर, जब ज़्यादा चार्ज कमुलेट हो जाएंगे तो इलेक्ट्रिक स्पार्क दे मे हैपन देयर, तो हम उसको क्या करते हैं कंडक्टिंग, और कंडक्टिंग के लिए नीचे मैंने आपको दिया हुआ है इसमें जो कंडक्टिंग, उसमें क्या है हम कार्बन कंपाउंड रबड़ में क्या करते हैं मिक्स करते हैं कार्बन कंपाउंड, जिससे क्या होता है पार्टली कंडक्टिंग, जो चार्ज कमिंग, जो चार्ज टायर के ऊपर जो प्रोड्यूस हो रहा है, जो चार्ज के ऊपर कमुलेट हो रहा है, जो इसके ऊपर चार्ज का अकोमुलेशन हो रहा है, जब पार्शली कंडक्टिंग है तो चार्ज गेट न्यूट्रलाइज, ग्राउंड जो है वहां पे ग्राउंड के थ्रू या देर इज ए लीकेज ऑफ चार्ज, इनका ये इनका डिस्चार्ज एक्शन केम इन टू प्ले, तो इस वजह से इसलिए उनको पार्शली कंडक्टिंग बनाया जाता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैन वी प्रोड्यूस हाई वोल्टेज इन अवर बॉडी विदाउट एनी इलेक्ट्रिक शॉक, क्या हम, बहुत इंटरेस्टिंग केस है, क्या हम अपनी बॉडी के ऊपर बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हैं? द आंसर इज दैट यस, हम अपनी बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा चार्ज भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। बहुत सारे केसेस आपने डे टू डे लाइफ में देखे होंगे कि आपने देखा है कि मान लीजिए एक बहुत एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, एक मेरे पास एक पिक्चर है जो कैप्चर किए गए हैं कि किसी चैनल ने, तो उसको भी मैं दिखाने वाला हूँ कि कुछ लोग जो हैं सिंगल, जो लाइव वायर होती है, जो आपकी ट्रांसमिशन लाइव वायर होते हैं उसमें लटक जाते हैं, बट उनके ऊपर क्या होता है कोई भी इलेक्ट्रिक शॉक नहीं होता है। आप देख रहे हैं जितने भी वर्ड हैं वो इलेक्ट्रिक जो ट्रांसमिशन या आपके जो पावर लाइन्स हैं उनके ऊपर बैठे होते हैं, उनको कोई इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता है। तो इन सब के पीछे जो कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थिंग है, आप देख रहे हैं मैंने यहाँ दो एक्टिविटीज़ परफॉर्म की हैं, एक्टिविटी नंबर वन यहाँ पे जो ली गई है, इस एक्टिविटीज़ को आप देख सकते हैं कि एक हाई वोल्टेज है और एक व्यक्ति जो है उसको उसके लाइव पॉजिटिव उस वायर को टच कर रहा है, जब टच किया तो वहाँ पे क्या देख रहे हैं आप, जब टच किया तो क्योंकि पॉजिटिव है, देयर इज अ पॉजिटिव, तो इसने इस लाइव वायर को जब टच किया तो क्या होगा, यहां से इस पॉजिटिव चार्ज, यहां से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ग्राउंड से इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ थ्रू ह्यूमन बॉडी, और जो डायरेक्शन ऑफ जो करंट होती है क्या होती है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इस पे मैं बाद में बात करूंगा क्योंकि एक यूनिट पूरा इसी पे ही है, तो अभी करंट की तो बात नहीं, किस पे मैं नहीं जाना चाह रहा हूं कि जो इलेक्ट्रॉन का कहां से फ्लो हुआ, ग्राउंड टू जो लाइव वायर थ्रू ह्यूमन बॉडी, तो उस वक्त तो आप यहां पे आप देखते हैं कि जो यहां पे इलेक्ट्रिक शॉक नोट्स किया जाता है नंबर वन, और एक्सपीरियंस नंबर सेकंड का जो केस है आपका, जो नेक्स्ट है आप सेम एक्टिविटी पर यहां पे परफॉर्म की गई है, परंतु इस एक्टिविटी में क्या किया है कि जो पर्सन है कहां पे खड़ा है, किसी इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर, इसके ऊपर पांव के नीचे क्या है, किसी इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर, और इंसुलेटर आर बैड, वो क्या करते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस को चैनलाइज नहीं करते हैं, वो उसको अलाउ नहीं करते हैं अपने, तो जब क्या होता है जब इसको यही व्यक्ति जब इस वायर को टच करता है देन क्या होता है वो चार्ज चैनलाइज नहीं होते हैं, ग्राउंड मीन वहां पे अर्थिंग कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होता क्योंकि देर इज नो पाथ, यहाँ पे दे आर नॉट ग्राउंडिंग, ये ग्राउंड नहीं हो पा रही ड्यू टू दिस इंसुलेटिंग स्टैंड, यह आपका इंसुलेटिंग स्टैंड है, इसकी वजह से ग्राउंड का ग्राउंडिंग नहीं हो पा रहा है। अब आप देख रहे हैं कि जब एक चार्ज एक्युमुलेट हो जाएंगे ह्यूमन बॉडी के ऊपर, तो आप देख रहे हैं कि अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ आप नजर आ रही है कि इसके जो हेयर हैं वो क्या हो गए, खड़े हो गए, बाल जो है खड़े हो गए, इट मीन्स ये क्या इंडिकेट करता है कि जब को चार्ज मोर एंड मोर चार्ज विल एक्युमुलेट ऑन द बॉडी तो हेयर क्या होते हैं फ्लाई होते हैं, क्यों, क्योंकि जब पॉजिटिव चार्ज, मान लीजिए मेरे पास से आप देख रहे हैं टू हेयर्स हैं, दीज आर टू हेयर्स, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज क्या क्या हुआ रिपल्सन, देख क्या करते हैं एक दूसरे से आगे चले जाते हैं, पहले बार मान लीजिए आपके हेयर इस तरह से हैं स्टिक हैं, जैसे बॉडी के ऊपर मोर एंड मोर पॉजिटिव चार्ज एक्युमुलेट हुआ तो इनके ऊपर क्या हो गया मोर एंड मोर, तो पॉजिटिव नेचर चार्जेस क्या करते हैं रिपेल करते हैं, देन हेयर्स
ये भी एक इंटरेस्टिंग आपका जो ऑब्जर्वेशन है आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। तो वी कैन प्रोड्यूस ए हाई वोल्टेज ऑन ह्यूमन बॉडी, वह जब क्या है, जब यदि हम ग्राउंडिंग कंसेप्ट को लेके अगर हम उस चीज को स्टडी करें। सेट नंबर थर्ड का जो 13 क्वेश्चन है, मेटल इज फिक्स्ड एनदर इज प्लेस नियर द फिक्स्ड वॉल, हाउ इट रिएक्ट। आप यहाँ देख रहे हैं कि इसमें मैंने कुछ एक्टिविटीज यहाँ भी लेके की हैं कि क्वेश्चन पूछा गया है कि एक दो वॉल हैं, वन इज फिक्स्ड, एक वॉल फिक्स है, दूसरा फ्री टू मूव। और नंबर जो वॉल नंबर ए है, जब आप उसको एक ग्लास रॉड जो जिसको पॉजिटिव चार्ज है उसके साथ टच किया तो क्या हो गया, ये जो वॉल है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज इंटायरली सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। जब डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो क्या हुआ, जो नियर बाई जो बॉल प्लेस किया है तो वहां पे क्या हुआ, इंड्यूस चार्जेस, इंड्यूस चार्ज जो पॉजिटिव का पोलराइजेशन इंड्यूस चार्जेस नेगेटिव इस तरफ और पॉजिटिव केस में पॉजिटिव चार्जेस। अब देखिएगा, जब एक जो फर्स्ट वन है दैट्स अ फिक्स, अनदर वन इज कैपेबल टू मूव, वो मूव करता है। तो अब क्या होता है कि अब यहाँ पे आप देखें, मैंने ऊपर की पिक्टोरियल में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि यहाँ पे इसी कॉन्सेप्ट को पहले भी एक्सप्लेन किया था, जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बीच की जो लेयर का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल है कंपेयर टू पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्जेस के बीच का। तो इट मीन दो तरह की फोर्सेज यहाँ पे लग रही हैं, अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव, बट अट्रैक्टिव फोर्सेज डोमिनेटिंग इन नेचर। तो दैट्स वाई ये क्या होगा, ये जो आपका जो वॉल है, जो आपका जो जो कैपेबल टू फ्री है मूव, वो जो फिक्स वन है उसकी तरफ मूव करना शुरू कर जाएगा। तो इस को कॉन्सेप्ट को और कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके पास ये हैं, मैंने क्लास जो आपका सेट है इसमें तीन क्वेश्चंस हैं, कैन प्रोटॉन कैरी चार्ज, हम क्या प्रोटॉन चार्ज कैरी कर सकता है, तो पॉसिबल आंसर इज दैट। आपको पहले प्रोटॉन का कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना है, प्रोटॉन्स को आपको मालूम है कि प्रोटॉन्स हैव नो चार्ज व्हेन इट इज एट रेस्ट, जब कोई इसका सॉरी प्रोटॉन हैव नो मास, जब उसके ऊपर कोई मास नहीं है तो इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रोड्यूस ए चार्ज ऑन दैट पार्टिकल। मीन ऐसा पार्टिकल जिसका मास नहीं है, जिसका मास जीरो है, उसके ऊपर वी कैन प्रोड्यूस चार्ज। द नेक्स्ट, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ फंडामेंटल फोर्सेज मे एग्जिस्ट इन बिटवीन चार्जेस ऑफ बॉडी, ये क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ए बॉडी विच, वही है एक वर्ड इसको मैं अभी आपको देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 15 आपके लिए है, आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। एंड जो आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, ये भी वो जो मैंने कहा अभी पीछे, एक वर्ड है जो पक्षी है वो एक पावर लाइन पे बैठ मतलब जब बैठता है तो उसको कोई भी इलेक्ट्रिक शॉक को एक्सपीरियंस नहीं होता, परंतु यदि उस इलेक्ट्रिक वायर को यदि ह्यूमन बॉडी या कोई व्यक्ति टच कर लेता है तो उसको एक इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। तो ऐसा क्यों होता है, इस आपके लिए एक प्रॉब्लम्स हैं जो लास्ट के सेट में जो हैं प्रॉब्लम्स में, आप इन प्रॉब्लम्स को देखिए और इन ऑन द बेसिस ऑफ टू डेज लेक्चर्स आप इन जो भी आज के कॉन्सेप्ट मैंने आज आपको एक्सप्लेन किए उन कॉन्सेप्ट को लेके इनके पॉसिबल आंसर्स क्या होते हैं कमेंट्स बॉक्स में दे दीजिए। यदि फिर भी किसी को कोई क्वारीज है अपने कमेंट्स बॉक्स में अपने आंसर्स या अपने कमेंट्स बॉक्स में अपने क्वेश्चंस दे सकता है, मैं कोशिश करूंगा कि उनको जो कमेंट्स हैं जो नेक्स्ट लेक्चर्स में लेके आऊँ। कल किसी स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था कि ये कोई क्लास चली है, तो ऑफकोर्स ये जो आज के जो टॉपिक्स जो मेरा वीडियो जो बनाने का मेन मकसद है कि जो एक पर्टिकुलर क्लास को, तो ये किसी को कुछ एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं, किसी स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, उनका ऑनलाइन क्लास या लाइव क्लासेस मैं रोज लेता हूँ। लगभग यही टाइम रहता है, दिन के 11:30 के लगभग इसका टाइम रहता है, और कुछ मैंने लेक्चर्स आपको डिलीवर किए गए हैं। जो स्टूडेंट्स नए हैं जो आज ही जुड़े हैं और मेरे प्रीवियस लेक्चर्स अटेंड नहीं कर पाए हैं, तो उन सब के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं, आप वहाँ से उनको नोट कर सकते हैं, वहाँ से उनको देख सकते हैं। फिर भी कोई क्वारीज है अभी मैं इनको कमेंट्स बॉक्स में आई एम टेकिंग योर क्वारीज और देन
आई एम वेटिंग फॉर योर क्वारीज। जो भी आपकी क्वारीज है अपने अभी कमेंट्स बॉक्स में दे दीजिएगा। अब हाँ, मैं किसी एक्सपर्ट्स की बात करें जिसने कल कमेंट्स में लिखा था और मैं उसका आंसर नहीं दिया और मैं वो उसको उसके कमेंट्स को रीड नहीं कर पाया, तो कि क्या ये कोई क्लास चली है? यस, मैंने कहा यह क्लास है, क्योंकि आपको मालूम है कि आजकल जो है एक विश्व व्यापक एक महामारी पूरे वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हो चुकी है जो नोवल कोरोना, और उसको लेकर लगभग पूरा वर्ल्ड जो लॉकडाउन हो चुका है कुछ एक कंट्रीज को छोड़कर। तो इसी के मद्देनज़र हमारे भारत में भी इसको लॉकडाउन किया हुआ है, भारत पूरे संपूर्ण भारत पे लॉकडाउन चला हुआ है। और उस लॉकडाउन के जरिए जैसे क्या हो रहा है कि काफ़ी ऑफिसेज सब या जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो क्लोज हैं, कोई भी क्लासेज वहाँ नहीं चली हुई हैं। जब क्लासेस नहीं चली हुई हैं तो इसलिए जो स्टूडेंट्स बहुत सारे सफ़र कर रहे हैं आजकल, तो इसलिए जो स्टूडेंट्स सफ़र ना हो कम से कम थ्रू यूट्यूब चैनल्स या कोई और लाइव क्लासेस हैं या अदर मटेरियल्स या लाइब्रेरी या जो उनके घर में मटेरियल्स हैं उनसे जाके स्टडी करें। तो अभी एक मैं एक और कमेंट्स नोट कर रहा हूँ कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, किसी स्टूडेंट्स ने सैमचंद स्टूडेंट है उसने मेरे से पूछा है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, क्योंकि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का वे अभी मैं आया नहीं हूँ, अभी वो लेक्चर्स अभी तक वहाँ पहुँचे नहीं हैं। तो आपका मैंने क्वेश्चन नोट कर लिया है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का कॉन्सेप्ट, क्योंकि अभी स्टूडेंट्स को अभी एक्सप्लेन नहीं किया, जो अभी तक मैंने 2 लेक्चर्स डिलीवर किए हैं और 2 लेक्चर्स के बाद उनके कॉन्सेप्चुअल बेस क्वेश्चन थे उनको लेके आया हूँ। टोटल अभी तक 4 लेक्चर्स डिलीवर किए हैं, जो अभी जो 2 लेक्चर्स थे अभी तक हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज तक नहीं पहुंचे हैं। जब मैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज तक शायद नेक्स्ट लेक्चर में शायद क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की भी बात करूं, तो यू विल होल्ड विद दैट। आप उसको इस क्वेश्चन को लेके अभी होल्ड अप रखते हैं कि कोई और डाउट्स हैं जो कभी कंसर्न है, क्योंकि मैंने क्वांटाइजेशन चार्ज को अभी एक्सप्लेन नहीं करना चाह रहा हूं, क्योंकि इससे क्या होता है कन्फ्यूजन हो जाता है बहुत सारे स्टूडेंट्स। अभी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की मैंने अभी बात नहीं की है, अभी किसी स्टूडेंट्स को भी डाउट है तो मैं अभी जस्ट आई एम वेटिंग फॉर योर डाउट्स, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने डाउट्स क्लियर कर रहे हैं कि ताकि मैं कल उनको लेके आऊँ। अभी भी आप पूछ सकते हैं, आई एम वेटिंग फॉर योर तो आज का जो लेक्चर है आपका और का जिन स्टूडेंट्स ने जो मेरा लेक्चर अभी अटेंड कर रहे हैं, और आप देखिएगा कि मैं इसके लिंक्स या आप मेरे YouTube चैनल पे फिजिक्स अकेडमी करके मेरा यूट्यूब चैनल है, आप उसको देख उस पर लिंक करते हैं, उसके ऊपर उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। जब भी कल का जो लेक्चर या जो नेक्स्ट लेक्चर मेरा कब होगा, कब शेड्यूल रहेगा, आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आपको मालूम है कि जितने भी बहुत सारे स्टूडेंट्स सफ़र कर रहे हैं इस वक्त, क्योंकि उनकी क्लास जो नहीं चली हुई है आजकल, जो इंस्टीट्यूशन क्लोज रहे हैं, कोई भी टीचिंग हावर्स या कोई भी टीचिंग क्लासेस नहीं चली हैं, तो उन सब आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं कि जो और स्टूडेंट्स को भी आप अप्रोच कर सकते हैं, या अगर किसी किस तरह की कोई लाइव क्लास चलती है तो आप उनको भी जोड़ने की कोशिश कीजिए। तो आज का जो लेक्चर्स है मैं आज आपको यहीं पे क्लोज करने जा रहा हूँ। तो Now I am going to close my session.